में बढ़ोतरी आज देखने को मिली है। 22 दिन में 17 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 37 पैसे और डीजल 38 पैसे महंगा है। आज पेट्रोल के दाम 114.11 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम की बात की जाए तो 105.34 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल दोनों ने शतक लगा ली है। चलिए फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, क्या और जानकारी खबर पर? तो तकनीकी खामी की वजह से दीपक से संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे वापस से जुड़ने की। लेकिन बता दें आपको कि लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता कहीं ना कहीं परेशान है। 22 दिन में अगर बात की जाए तो 17 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। आज भी पेट्रोल के दामों में 37 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल आज 114 रुपए पार पहुंच गया है। इधर डीजल की बात की जाए तो डीजल की दरों में भी बढ़ोतरी की गई है, अब डीजल 106 रुपए पर पहुंच गया है। तो 22 दिन में 17 बार ये दाम बढ़े हैं। आज डीजल 38 पैसे महंगा हुआ है, जबकि पेट्रोल 37 पैसे महंगा हुआ है। डीजल के दाम 105.34 रुपए पर पहुंच गए हैं और लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम से कहीं ना कहीं अब आम जनता परेशान है। सीधी जेब पर असर पड़ रहा है और माना ही जा रहा है कि आगे आने वाले समय में और भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। चलिए एक बार फिर से दीपक गोयल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या जानकारी और? देखिए, ये महीने के 22 दिन बीत चुके हैं और 17 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। लगातार 20-30 से 35 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और डीजल अब 105 रुपए पार कर गया है, वहीं 115 का आंकड़ा छूने वाला है पेट्रोल। यानी कि राजधानी जयपुर की यदि हम बात करें तो 115 रुपए प्रति लीटर यहाँ पर पेट्रोल और डीजल है, वो 105 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। और बताया ही जा रहा है क्योंकि सबसे महंगा क्रूड ऑयल इस बार हो चुका है $85 प्रति बैरल के पार। जो क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने से ये दाम लगातार बढ़ रहे हैं और यदि क्रूड ऑयल के दाम यदि बढ़ते हैं तो आप मान के चेक करिए कि अगले साल 10 रुपए पेट्रोल डीजल में जो बढ़ोतरी है वो संभव मानी जा रही है। यदि 6 महीनों के अंदर यदि $100 प्रति बैरल यदि क्रूड ऑयल पहुंच जाता है तो पेट्रोल और डीजल के दामों में 8-10 रुपए प्रति लीटर की यहां पर बढ़ोतरी देखी जा सकती है। क्योंकि देखिए, सर्दी का मौसम चालू हो जाएगा तो ऐसे में जो क्रूड ऑयल का जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। ऐसे में वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह खुलने से एनर्जी की डिमांड तेजी की ओर बढ़ी और ठंड बढ़ने से यहाँ पर जो अमेरिका जो शेल ऑयल का है उत्पादन घट गया है। लेकिन यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और वेट में यदि थोड़ी कमी करे या इसको जीएसटी के दायरे में लाए तो आम उपभोक्ता को जो राजस्थान के अंदर पेट्रोल और डीजल भराती है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट राजस्थान के अंदर है पेट्रोल और डीजल पर 36 और 26 के करीब, तो ऐसे में यदि कुछ राहत राज्य सरकार वेट कम करके और रोड टैक्स को यदि घटा दे। चलिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं इंतजार यही है आम जनता को कि आखिरकार कब जो है जनता को राहत पेट्रोल और डीजल के दामों से मिलेगी। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि 22 दिन में 17 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, आज एक बार फिर से इन दामों में बढ़ोतरी हुई है।